जिनके पास लाइसेंस है और वो बैज बनाना चाहते हैं, उसका ऑनलाइन प्रोसेस बैज कैसे अप्लाई होता है उस पर ये वीडियो है। सबसे पहले आपको बैच के लिए अप्लाई करना है तो लाइसेंस होना इम्पॉर्टेंट है, तो आप किसी पे भी या तो रिन्यूअल पे चले जाइए, किसी पे भी चले जाइए, मैं अप्लाई ऑन रिन्यूअल पे चला जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू, ये रहा, सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालिए अपना, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, दैट्स इट, आपका होम पेज खुल जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में ही है, ये रहा, क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर इशू ऑफ PSV बैच टू आर ड्राइव, ठीक है। यहाँ पे आपको ही क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे ये यस करना है कि आपकी डिटेल्स अब कन्फर्म्ड है, उसके लिए आपको यस करना है, फिर नीचे आना है आपको, RTO यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। अब RTO ये मेन इंपॉर्टेंट है, ये RTO आप अपने एरिया के हिसाब से सिलेक्ट करोगे। मेरा ये RKपुरम का है तो वसंत विहार RTO तो बंद हो गया है, तो मैं द्वारका के लिए सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, क्योंकि वसंत विहार द्वारका के साथ मर्ज हुआ है, तो द्वारका मीन्स DL9 करा, प्रोसीड, ओके ये कर दिया मैंने। अब मुझे यहाँ कंफर्म करना है, ये मैंने कंफर्म कर दिया, अभी दिखा रहा ना बैच इश्यू ऑफ PUC, इसे मैंने क्लिक करा और प्रोसीड कर दिया। अब यहाँ पे मुझे कार का बैच चाहिए, ऑटो कार सब इसी में काउंट है, कई बार लोग यहाँ पे कार का ऑप्शन आ रहा है तो कन्फ्यूज़ होंगे कि हमें तो ऑटो का बैच चाहिए, ऐसा नहीं है, कार और ऑटो का दोनों का एक ही बैच है, ठीक है, कंफर्म करना है आपको। उसके बाद ये सेल्फ डिक्लेरेशन एक फॉर्म है, इसे भरना है, फिल करना है, बाकी सब नो होंगे, पहला नो, दूसरा यस, बाकी फिर सब नो। एक बार पढ़ भी लेना, मुझे तो पता है इसके बारे में, इसीलिए मैं इसे नो यस कर रहा हूं। इन सब पे आपको क्लिक करना है, रूल एंड रेगुलेशंस के बारे में है, और ये आप ये खुद कर सकते हैं, देख ले क्या है, क्या ऐसा नो यस करना है, नो करना है, वो आपके ऊपर चॉइस है, क्योंकि मैं मुंह से नहीं बोलूँगा, उसको अच्छा नहीं लगता थोड़ा सा। ये मेरी एप्लीकेशन बैच की हो गई रेडी, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे इसके अंदर नेक्स्ट करना है। अब देखो यहाँ पे प्रिंट फॉर्म भी आ गया, आप इसके क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके प्रिंट फॉर्म भी आ जाएंगे, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं, ठीक है। इसमें मेडिकल भी है, पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म भी है, करेक्टर सर्टिफिकेट, ये सारे फॉर्म के आपको प्रिंट आउट निकालने, प्रिंट आउट निकालने के बाद में एक फॉर्म डॉक्टर से अटैच कराना है, ये आपको खुद बनना है, इसमें जो डिटेल रह गई है, जैसे मदर का नाम रह गया है, मैरिटल स्टेटस रह गया है, प्लेस ऑफ बर्थ रह गया है, ये आपको खुद भरना है। ये सब करने के बाद, ठीक है, फिर आप यहाँ पर आएंगे, नेक्स्ट करेंगे, ये सब आपको अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट, मेडिकल का प्रिंट निकाल के MBBS डॉक्टर से कराना, या फिर कहीं भी RTO के पास चले जाना, वहाँ पे काफ़ी बैठे होते हैं, वो भी कर सकते हैं, और आप मुझसे हेल्प लेना चाहोगे तो वो काम मैं भी करा सकता हूँ आपका। ये रहा अपलोड डॉक्यूमेंट, ठीक है, इसे यस करो, आगे प्रोसीड करो। ये रहा, अब बैच के लिए डॉक्यूमेंट देख लो, ये रिक्वायरमेंट है आपको एड्रेस प्रूफ में वोटर आई डी कार्ड, आधार कार्ड हो गया, कोई भी एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना, मेडिकल फॉर्म मैंने बता दिया कहाँ से निकालना है, पुलिस वेरिफिकेशन अभी ये नहीं करें, और ये रेफरेंस सर्टिफिकेट, रेफरेंस क्रॉस सर्टिफिकेट वही है जो 2 दिन की क्लास होती है, ठीक है। इसमें से आप ये पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म मत अपलोड करना, मेडिकल, एड्रेस प्रूफ और रेफरेंस, ये तीनों अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद में यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देना, नेक्स्ट करके अब ये आपके फॉर्म्स हैं सारे, ठीक है। इन फॉर्म्स को आप निकाल के प्रिंट आउट ले लेना, मेडिकल वाला फॉर्म यहाँ से भी निकाल सकते हो, वहाँ से भी निकाल सकते हो, ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, ये रहा, ठीक है, इसमें आपका फॉर्म हो गया, ये कनेक्ट मेडिकल परफॉर्मा हो गया, ये हो गया, लेकिन इसमें मेडिकल फॉर्म 2 है, ध्यान रखना, एक तो ये भी मेडिकल फॉर्म है, ठीक है, ये लेकिन कंडक्टर के लिए, इस मेडिकल फॉर्म को आपको प्रिंट निकाल के वो नहीं करना, आपको कौन से वाला मेडिकल फॉर्म चाहिए, ये वाला जो ड्राइवर बैच के लिए होता है।
आप देख लो ये इस एप्लीकेशन नंबर, ये वाला आपको मेडिकल MBBS डॉक्टर से अटेस्ट कराना है और फोटो पर भी स्टैंप और सिग्नेचर चाहिए। इन सारों का करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने, अपलोड करने के बाद इसकी ₹200 की फीस पेमेंट है, ₹200 की फीस पेमेंट करके आपको आपके एरिया की जो अथॉरिटी है वहाँ जाके आपको सबमिट करना होता है। बस ये आपका प्रोसेस है पूरा, जिस एरिया में हो उस एरिया की अथॉरिटी में जाके आप सबमिट कर दीजिए, वहाँ से आपको पुलिस वेरिफिकेशन सेंड कर देगा। विद इन अ वीक पुलिस वेरिफिकेशन आ जाएगी। अगर एक हफ्ते में पुलिस वेरिफिकेशन नहीं आती तो 2-4 दिन और वेट कर लेना, मैक्सिमम 15 दिन वेट करना, उसके बाद दोबारा RTO में विजिट करना जी, वेरिफिकेशन नहीं आई है तो वहाँ से उनसे रिक्वेस्ट करना कि सर वो आप फाइल को आगे प्रोसीड कर दीजिए। तो ये है प्रोसेस। जब जिस दिन वेरिफिकेशन हो जाएगी, वेरिफिकेशन होने के 15 दिन बाद आप RTO में जाके अपने इस फाइल को अप्रूव करा लीजिएगा और विद इन 15 डेज के अंदर लाइसेंस बन के आपके घर पे आ जाएगा। और लाइसेंस इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लाइसेंस के पीछे ही बैज नंबर आता है। इस काम से रिलेटेड अगर कुछ आपको प्रॉब्लम हो, कुछ आप जानना चाहते हैं या काम करने में दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे मिल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर भी दे रखा है, आप कमेंट भी कर सकते हैं और मेरी सहायता भी ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।